नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा जैज 2018 के बारे में, यानी कि 2018 में जो जैज का अपडेट आया उसके बारे में। ये सारी की सारी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये ऑफिशियल जानकारी है, यानी कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में जो कन्फर्म न्यूज़ है वो है। क्या आया है, क्या कम हुआ है, उन सब चीज़ों की बात करने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल $100 का कूपन देने वाला हूँ, SJ8 अगर आपको किसी को खरीदना है तो। एक ही कूपन होगा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता और कोई उसे यूज़ कर पाएंगे, कन्फर्म नहीं हो, ट्राई करते रहना आप। तो वो जो है कूपन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। SJ8 एक्शन कैमरा आपको खरीदना है तो उस पर $100 का, जो कि काफी बड़ी चीज है, तो एक एज ए काइंड ऑफ वो गिव अवे है। मैं यूज नहीं कर रहा इसलिए मैं आपको दे देता हूं। फिलहाल जो है होंडा जैज के बारे में वो बात कर लेते हैं। होंडा जैज आज जो है ऑफिशियली एक सॉफ्ट लॉन्च हो गया उसका, यानी कि कोई बड़ा लॉन्च नहीं हुआ। और बड़ा लॉन्च इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई ज्यादा चीज अब होंडा जैज में आई नहीं है। छोटे छोटे माइनर फीचर्स जो है कुछ निकाले गए, कुछ डाले गए, उन सब चीजों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेडलैम्प के आगे थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज की गई है। एलईडी लैंप्स जो है पीछे, टेल लैंप्स जो है वो एलईडी लैंप्स लैंप्स जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। उसके बाद में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला डिजीपैड 2 इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है अब आपको देखने को मिलेगा टॉप एंड वेरियंट में, VX में। और क्रूज कंट्रोल जो है वो भी आपको मिलेगा। हालांकि क्रूज कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक कैच ये है कि क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको सिर्फ डीजल मैनुअल और पेट्रोल CVT के साथ में मिलेगा, यानी कि V और VX वेरियंट जो है पेट्रोल CVT और डीजल मैनुअल उनके साथ ही क्रूज कंट्रोल मिलेगा। यही चीज जो है और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और जो बाकी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह है उसके साथ भी है। पता नहीं होंडा क्यों जो है पेट्रोल मैनुअल पे ज्यादा फीचर्स जो है थोड़े कम क्यों कर देती है। ये चीज हमने जो है WRV में भी देखी थी। उसके बाद में कुछ चीजें जो कि हटाई गई है, ई और SV वेरिएंट जो है वो अब नहीं मिलेगा। S वेरिएंट जो है वो सिर्फ डीजल में मिलेगा। मैजिक सीट जो है आपको किसी वेरिएंट में नहीं मिलेगी। CVT का ऑप्शन जो है वो आपको अब VX वेरिएंट के साथ भी मिलेगा। पहले आपको S और V के साथ मिलता था, क्योंकि अब एस बंद हो गया है तो वो VX के साथ भी मिलेगा, V और VX में भी मिलेगा। बाकी कोई होंडा जैज के बारे में बड़ा अपडेट नहीं है। एक और चीज यहां पे जो है जैज के बारे में देखने लायक, वो ये कि जैज का माइलेज जो है वो सेम है, लेकिन पेट्रोल में माइलेज फिगर थोड़ा सा कम दिखेगा आपको। जहां आप पहले 18.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल में देखते थे, वहां आपको ये माइलेज जो है वो 18.2 का ही दिखेगा। कारण ये है कि जो जैज का S वेरियंट था वो 18.7 ARAE सर्टिफाइड माइलेज निकालता था, लेकिन S वेरियंट अब क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गया है इसलिए आपको जो है ऑफिशियल माइलेज 18.2 ही दिखेगा। बाकी सबसे बड़ी चीज जो है वो यहाँ पे है गाड़ी की कीमत। तो मैं जैज की जो कीमतें हैं उसमें जैज जो है अब आपको S डीजल वेरिएंट है 8,05,000 शोरूम, और उसके बाद में टॉप एंड वेरिएंट जो है डीजल का ना वो 9,29,000 यानी कि 9,29,000 एक्स शोरूम मिलेगा। थोड़ी सी कीमतों में कमी आई है डीजल में, वहीं दूसरी और पेट्रोल में आप देखें तो हल्की सी कीमतें जो है आगे पीछे हुई है हर एक वेरियंट के हिसाब से, क्योंकि फीचर्स जो है वो मिक्स हो गए हैं। अब जो है लोवेस्ट दो जो ट्रिम थे वो हट गए हैं, इसलिए थोड़ी सी कीमतों में आगे पीछे आपको जो देखने को मिलेगा। तो वी वेरिएंट जो है वो 7,35,000 का मिलेगा, और VX जो है वो 7,80,000 का आपको मिलेगा, 79,000 का। और वहीं वी CVT और VX CVT जो है 8,55,000 और 8,99,000 में आपको एक्स शोरूम मिलेंगे। अब जो है ओवरऑल फीचर वाइज अगर जैस को देखा जाए इन कंपटीशन विद i20 एंड बलेनो, तो जैस थोड़ी सी अब जो है कॉम्पिटिटिव लग रही है। खास तौर से डीजल अगर मैनुअल आप देख रहे हैं तो उस सेगमेंट में थोड़ा सा मैं चाहता था कि जैस जो है उसकी डीजल की जो नॉइज़ वगैरह है उसको अगर होंडा जो है उस पर काम करती तो बेटर होता। अब क्योंकि कोई बड़ा होंडा ने इसके बारे में कोई क्लेम नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ वर्क किया गया, लेकिन जैसे अमेज़ की जो है नॉइज़ सुधरी है उसी तरीके से अगर जैस की सुधर जाए तो ये बेहतरीन पैकेज है। उसके बावजूद भी अगर नॉइज़ वगैरह नहीं सुधरती है तो भी जैस जो है वो अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है फीचर्स के मामले में। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको जो है उसके डिजीपैड में मिलेगा। आपको IR रिमोट सेंसिंग जो इंफ्रारेड सिस्टम बेस्ड रिमोट कंट्रोल मिलेगा, और जैज के जो टॉप एंड वेरिएंट उसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा डीजल में। तो बिल्कुल डीजल जो है वो एक कंपिटिटिव चीज जो है अब बन गई है बलेनो और i20 के रिगार्ड में। अगेन जैज का जो है स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा था, बाकी सब चीज़ें थी। जैज के बारे में और छोटे मोटे कोई अपडेट जो है वो हमने गाड़ी फाई पे पोस्ट कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में गाड़ी फाई की लिंक भी जो दी है वो आपको आप जाके देख सकते हैं उस पर भी। और अगेन मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि $100 का एक कूपन जो है SJ8 के लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो वो रिडीम कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।